ब्राउनी ब्राउनी मेरे ऊपर चढ़ गई कभी कसम से, मैं परेशान हो गया। मैं इधर ऐसी कैमरा चेक कर रहा था और वरना ब्राउनी मेरे ऊपर आ गई। मैंने पता नहीं क्या ब्राउनी को क्या हुआ, काफी धूप निकली है। एक मेरे पास आईडिया है वो आपको बताता हूँ मेरे पास क्या आईडिया है। कितनी गर्मी हो रही है, हमने इनको पानी नहीं पिलाया यार। यार मैंने मन्नत को भेज दिया है पानी लेने, वो मन्नत जा रही है देख सकते हो। अच्छा मैंने मन्नत को ना पानी इसलिए लेने के लिए भेजा, मेरे पास एक प्लान है यार। मन्नत कहने से पहले आपको सबसे बता दे तो मन्नत आ जाएगी जल्दी जल्दी। प्लान ये है कि ना मैं सोच रहा मन्नत का इस रूम में लॉक कर दूँ। देखो इसकी हालत देखो, ये भाई हॉन्टेड रूम है, पूरा हॉन्टेड रूम है। बाहर से दरवाजा भी टूटा हुआ है, ये देखो इस पेटी के नीचे, देखो इस पेटी के नीचे ब्राउन यहाँ भी देखो इसके साथ। तैयारी कर, कितना प्यारा माहौल रेडी कर दी, व्लॉग स्टार्ट करने के लिए। तू लेट की उठ उठ जल्दी कर, उठ जल्दी कर। ओ सोने क्यों दे, अभी तो सो के उठी हो, नाश्ता भी कर के दोबारा सो गई। ऐसे कौन नाश्ता करके दोबारा सो जाता है। उठो 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 उठो, क्यों क्या हो गया है, व्लॉग नहीं स्टार्ट करना, फिर मैं अकेला व्लॉग स्टार्ट कर लूँ। चलो जल्दी करो जल्दी करो, चलो चलो व्लॉग स्टार्ट करें। उठो 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 उठो। अच्छा जी तो गाइस फिलहाल ये भी व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गाइस अगर आप लोग हो तो मैं हूँ, अगर आप लोग नहीं हो तो यार मैं भी नहीं हूँ। यार मन्नत मुझे एक बात बताओ यार, ये भी सोचते होंगे मैं क्यों बोलता हूँ, अगर आप लोग हो तो मैं हूँ, अगर मैं नहीं हूँ तो आप लोग, मतलब ये मैं क्या बोलता हूँ, समझ आती होगी आपको समझ आती है, नहीं आती ना। चलो यार आपको भी क्लियर कर देता हूँ मैं क्यों बोलता हूँ, मन्नत को भी क्लियर कर देता हूँ मैं क्यों बोलता हूँ। आगे आओ, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि गाइस आपको पता ही यार, आप सब लोग यार व्लॉग देखते हो, क्योंकि अगर मन्नत इनकी तबीयत नहीं ठीक होगी, ये बीमार होंगे, इनकी मैं खैर नहीं पूछूंगा, ये बीमार होंगे तो ये मेरा व्लॉग कैसे देखेंगे। अगर इनकी तबीयत ठीक होगी, ये फिट होंगे, बिल्कुल 100% फिट होंगे, तभी तो ये मेरा व्लॉग देखेंगे ना, ऐसे थोड़ी देखेंगे। गाइस हम आप लोग की इतना मेहनत, और अगर बंदा फिट हो ना उसका दिल भी खुश रहता है हमेशा, जब वो ठीक होता है वो वीडियो को लाइक भी करता है, प्यार से कमेंट भी कर देता है और चैनल सब्सक्राइब भी कर देता है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देता है। अगर कुछ लोग की तबीयत खराब होना व्लॉग, तो व्लॉग पहली बात है वो व्लॉग देखने, अगर कोई देख भी लेना गलती से तो यार वो कमेंट करता है ना, वीडियो को लाइक करता है, ये मसला होता है। तभी मैं पूछता हूँ, हाँ तभी मैं पूछता हूँ कि आप लोग खैरियत से हो कि नहीं हो। अच्छा यार आप लोग मन्नत की तो बातें पूरे दिन यार सुनते रहोगे व्लॉग में। फिलहाल यार अभी ना मैं कह रहा हूँ कि मैं शावर ले लूँ, क्योंकि हालत खराब हुई पड़ी है। अभी मैं और पापा क्रिकेट खेल कर आए थे ना, इतना पसीना आता है ना, इतनी गर्मी हो रही है, इतना पसीना है। फिलहाल ये कपड़े वगैरह चेंज करते, कपड़े भी सर खराब हो, हाँ वही ना कपड़े, ये देखो हार क्या होगा, कपड़े वगैरह भी यार चेंज करते हैं और शावर लेते हैं, फिर आपसे मिलता है। चलो भाई शावर लेते हैं, फिर आपसे मिलता हूँ। ओके जी तो फिलहाल यार मैंने शावर ले ली गाइस, तो और यार इतनी मत पता, पहले लगातार बारिश होती नहीं है हफ्ते एक ना, अब गर्मी दोबारा से शुरू होगी, पता नहीं क्या हुआ। पहले इतना ठंडा मौसम हो गया था ना कुछ दिनों के लिए ना, इतना मजा आ रहा था, हमने कहा सर्दियाँ आ गई यार, मतलब अब नाइन्थ महीने तो शुरू हो गया, मतलब सितंबर तो शुरू हो गया, इतनी देर में तो सर्दी हो भी जाती है, लेकिन बारिश हुई थी, पता नहीं मक्खियाँ वगैरह कहाँ से आ रही हैं इस कमरे में, मक्खियाँ बहुत। चलो यार स्प्रे वगैरह करवाएंगे, मक्खियाँ पता नहीं कहाँ से आ रही हैं। फिर यार बॉल कुछ करते हैं, अभी मैंने शॉवर लिया। पहले यार ना बारिश हुई थी ना, काफ़ी ठंडा मौसम हो गया था, लेकिन अब दोबारा से पता नहीं गर्मी आ गई कहाँ से। फिलहाल यार ये भी लगा लेते हैं, फॉग भी लगा लेते हैं, अभी नहा के आना। आप ठीक है, चलो यार मना देखते क्या करी, मना जी पत्नी मेरे सामने काटू को देख रही, चलो मना को जाके देखते क्या करी। बिस्मिल्लाह, अबे मना क्या करी है, शिनचैन देख रही थी, क्या हुआ ऐड हो गया, ऐड आ गया शिनचैन देख रही भाई, मना मना की लगी मस्ती। मना आज का व्लॉग बताओ ना क्या करना, हमने व्लॉग भी बनवाना, जल्दी करो कुछ प्लान से फिर व्लॉग बनाए। जल्दी कर जल्दी कर, मेरा हाथ जम गया, जल गया। पापा भी बर्फ लेके आए भाई, मैंने उनको बोला जल्दी कर ढक्कन खोलो ना, मेरा हाथ जल रहा है, जल्दी करो। ओ हंस रही, जल्दी खोल यार मन्नत, मेरा हाथ जल रहा है, एक हाथ में कैमरे, एक हाथ में बर्फ, क्या कर, खोलो मन्नत खोलो ना। ठंडे हाथ का मजा लो ना, मजा आया देर कति, इतने ठंडा हाथ है, अब जाग गई, चलो ढक्कन बंद करो, ढक्कन बंद करो। अच्छा मुझे बुलाओ ना, क्या करना है व्लॉग का, क्या सीन है आज, क्या करना है अभी सोच, मेरा चैनल नहीं है तुम्हारा। अच्छा कुछ सोचो सही, मुझे प्लान दो यार, क्या करना है, कोई मस्ती वगैरह बताओ यार। चलो यार कुछ सोचते हैं फिर आपको बताते हैं क्या व्लॉग का क्या सीन करना है। फिलहाल अभी हम लोग दोपहर खाना खाने लगे हैं और मन्नत के भी चावल वगैरह आ गए, मेरे गाइस देख सकते हो बॉइल्ड राइस हैं और साथ में मन्नत के फ्राइड राइस हैं, और साहिल भी फ्राइड राइस खा रहे हैं, साहिल भाई सुबह से ब्लॉग में आए नहीं है, साहिल मन्नत भाई राइस खा रहे हैं। और भाई ना ये वाला फैन ना खराब हो चुका है हमारा, तो यार इस फैन की ना साफ भी कर लेंगे इसी बहाने, और फैन को ना मतलब जो उसके आने मैकेनिक वगैरह वो भी सेट करवा देते हैं। तो हमने ये वाला फ्लोर फैन ही होता है ये लगवा लिया, जो हमारी गेस्ट रूम में पड़ा होता है अक्सर ना पड़ा होता है, तो हमने यार इधर ले आए तो इधर लगा लिया। तो मैडम तो चावल कैसे बने हुए हैं, सही बने हैं,
और आज तो हमें इतनी जल्दी खाना खा रहे हैं ना दोपहर का, इतने यार पापा ने संडे है संडे है तो फिर क्या हो गया, दोपहर दोपहर को इतनी जल्दी खाना क्यों ले आप। चलो फिर यार चावल टेस्ट करते हैं, आपको भूख लगी थी। चलो यार खा लो फिर, मैं भी यार चावल टेस्ट करता हूँ। मैं तो बॉयल्ड राइस खा रहा हूँ क्योंकि मैं ये फ्राइड राइस बहुत कम खाता हूँ यार, मैं बॉयल्ड राइस खा रहा हूँ, देख सकते हो आप। इसमें लाइफ मान नहीं, मज़ेदार मज़ेदार। आज जी क्या हाल है यार, सुबह से आज तुम लोगों को व्लॉग नहीं बनाया, मैंने कभी निकलूँ खाना शाना खा के, अब शाम होगी लेकिन भाई मैंने ना इनको सुबह से व्लॉग मिला। आ जाओ आ जाओ, अच्छा मन्नत भाई इनके लिए केले वगैरह लेके आई है, पापा फ्रूट्स लेके आए थे ना सुबह, तो मन्नत अभी इनके लिए ले आई, काफी बच्चे थे फ्रूट वगैरह। मन्नत को अपने शौक, बस मन्नत काम है उनको ना पूरे दिन खिलाते रहना, खिला दो खिला दो। ब्राउनी तुम क्या मेरे पीछे पीछे आई जा रही हो, वो मन्नत उधर खेल रही है आराम से, गाइस देख सकते हो आप लोग, व्हाइटी और ब्लैकी को पकड़ो। अच्छा जी तुम मेरे पास क्यों, मुझे ब्राउनी मेरे से ज्यादा प्यार करती है, आप लोगों को पता है ब्राउनी मेरे से ज्यादा प्यार करती है। और यार बैठी ना ये करो, क्यों फाइट करती रहती हो, और भाई इसकी हालत देखो घर ही क्या हो चुकी है। इधर कोई रहता नहीं, हमारे चाचू वाले रहते थे ना, तो आप तो काफी साफ थी, लेकिन यार उनको पता नहीं कितने साल हो गए वो मुल्तान में रहते ना, तो यार अब तो उधर आते नहीं है, अब हम लोगों ने अब हमें तो क्रिकेट खेलते हो तो हम कुछ करवाते भी नहीं है। लेकिन जब वो वापस आएंगे या कुछ होगा हमारा प्लान बनेगा तो हम यार सारी सफाई वर्क कर देंगे, क्योंकि काफी गंदा भी लगता होगा ना व्लॉग में, आप लोगों को काफी ऑकवर्ड लगता होगा, अनोइंग लगता होगा, कोई बात नहीं है, फिर कभी और टाइम मिलेगा ना तो हम इसकी यार सारी सफाई वगैरह कर देंगे, सेटिंग करवा देंगे। और ब्राउनी तो मेरे पास खड़ी रही, तू है मेरे पास, वाइटी भी आ गए, वाइटी मेरे से तुम भी प्यार करते हो, पहले तो तुमने सिंह मारे वो है, इतने बड़े बड़े सिंह इसके नुकीले, देखो गाइस कितने नुकीले सिंह है इसके। अच्छा यार ये तो तीनों खड़े हुए हैं, और मैंने देखो कितनी गर्मी हो रही है, हमने इनको पानी नहीं पिलाया यार, पानी लेके आप जाओ, और सुबह खोले पानी तो नहीं पिलाया ना, ये गंदा पानी, वो देखो वो पड़ी हो, वो जो उसके अंदर डाल के लाओ, बर्तन में डाल के लाओ ना पानी, तो डाल के तो लाओ एक दफा, जाओ जल्दी जाओ शाबाश जल्दी जाओ चली जाओ ना वरना, देखो कितनी गर्मी, आप तो सुबह से कितनी गिलास पानी पीती हो लेकिन इनके लिए नहीं, शाबाश जल्दी जाओ शाबाश शाबाश। अच्छा इनके लिए तो ले आओ ना, ये जानवर है बेचारे सुबह से गर्मी फेर, इनके लिए तो पानी लेके जल्दी जाओ। यार मैंने मन्नत को भेज दी है पानी लेने, वो मन्नत जा रही है देख सकते हो। अच्छा मैंने मन्नत को ना पानी इसलिए लेने के लिए भेजा है, मेरे पास एक प्लान है यार, मन्नत के आने से पहले आपको सबसे बता दे, तो मन्नत आ जाएगी जल्दी जल्दी। प्लान ये है कि ना आपको पता ही, मैंने अभी बताया आपको, ये ना हमारे चाचू वाले रहते थे, तो ये सारा मतलब साफ सुथरा था, लेकिन उतने कितने साल हो गए पता, कितने साल हो गए मुझे पता, इतना नहीं आइडिया नहीं है, ये ना काफ़ी से मतलब काफ़ी देर हो गई, सफाई वगैरह नहीं, ना कोई रहता, हम सिर्फ क्रिकेट वगैरह खेलते हैं और बकरियाँ वगैरह इधर रहती हैं, और देखो कितना गंद किया बकरियों ने। अच्छा मन्नत का सीन कुछ ऐसा है कि मन्नत ना इस कमरे में डरती काफ़ी, ये लाइट तो नहीं, लाइट नहीं जा रही, तो मैं सोच रहा हूँ मन्नत का इस रूम में लॉक कर दूँ, देखो इसकी हालत देखो, ये भाई हॉन्टेड रूम है पूरा, ये हॉन्टेड रूम है देखो, कोई भी नहीं है, हालत देखो पूरा हॉन्टेड रूम है ये, तो आज मेरे प्लान है कि भाई मन्नत को इसमें बंद करने, मतलब यही तो नहीं है, तो आज मन्नत को ना बंद करेंगे, तो मन्नत अभी पानी लेके, मैं इसको जान की भेजा पानी लेने के लिए, अभी आती है फिर इसको अंदर मैं कहूँगा मन इनको अंदर पानी रख दो, पानी फिर अंदर रखो, बकरी के साथ बंद करो अकेले करो यार, अकेले करेंगे दम ज़्यादा मजा आएगा, बकरियाँ वहाँ फिर डरने लगे, चलो देखते जो सीन होगा देखते जाएंगे, मन्नत पानी लेके आती है फिर उसके अंदर कोई तरीका लगा कर लॉक करता हूँ, ठीक है आपने मेरे साथ देना है, ठीक है पहले वाइटी आप मेरे साथ होगी, तुम दो के साथ ब्राउनी या ब्लैकी देगी या वाइटी देगी, कौन साथ देगा मेरा, चलो यार तुम साथ ना भी दो, मैं खुद अकेले कर लूँगा क्योंकि मैं मास्टर हूँ इन चीज़ों में। और हाँ यार इसका कोई सेटिंग शटिंग कर लूँ, ये दरवाजे लॉक हो जाएगा इस दिन, पता नहीं इतने दिनों कुछ लॉक किया नहीं है, हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ऐसे करके और मम्मी की बात आ रही, ये ऐसे ऐसे कर लेना, इस तरह मैं पकड़ लूँगा ठीक है, बल्कि ये देखो ये दरवाज़ा भी टूटा हुआ है यहाँ से, कितने भाई हॉन्टेड रूम है, बाहर से दरवाज़ा भी टूटा हुआ है, ये देखो इसके अंदर मन्नत को आज मैंने लॉक करना है, बस भाई मन्नत तो काफ़ी डरने वाली उसको। अच्छा वो मुझे पहले ही कहती है मैंने अंदर नहीं गया ना काफ़ी ना, और नहीं अभी नहीं आई, अच्छा आ गई, तो मन्नत आ गई गाइस पानी लेके देख सकते हो, और साहिल भी आ गए, वाह भाई साहिल भी आ गए, ओ पानी सारा गिरा दिया यार पागल तो नहीं हो। अच्छा भाई इनका पानी पीने का तो दिल है ही नहीं, पानी पीने दिया भाई, मन्नत ब्राउनी से प्यार करने लगी है, और मन्नत यार मेरी यार बात याद आई है यार, मैं आपको पता है मेरी हार्ड बॉल जो किट थी, मैं बचपन में इतनी हार्ड बॉल खेलता था गाइस, लेकिन यार मेरी हार्ड बॉल के ना पैड वगैरह अंदर पड़े हुए हैं और गिलास भी अंदर पड़े हुए, लेकिन एक चीज़ नहीं मेरी ना हार्ड बैट मेरे ना हार्ड बॉल मेरी है, और मैंने इतने दिनों का क्रिकेट खेला भी नहीं, हाँ हार्ड बैट वगैरह टूट गया था फिर हमने फेंक दिया था। ओ हाँ वो तुमने, अच्छा हार्ड बॉल तो फिर किधर है, हार्ड बॉल तो बताओ क्या पता, मेरा दिल कर हार्ड बॉल भी शुरू करें, सर्दियां आ रही ना हार्ड बॉल क्रिकेट खेलने मजा आएगा ना, उस रूम में पड़ी हुई येलो में, येलो में हाँ येलो में देख लेते हैं, येलो में नहीं इधर पड़ी यार, मैंने इधर रखी हुई थी किट यार,
यार मैं देखता हूँ, आप भी आ जाओ ना। येलो में बंद कर देते, मैं तो करता हूँ येलो में, ज़्यादा सही जगह, येलो में रोशनी भी नहीं आ रही, ऐसे करते येलो में ही बंद कर देते क्योंकि यहाँ से रोशनी आ रही है। ये भी है मेरे ख्याल में, येलो में ही बंद करना पड़ेगा। चलो यार इधर तो है नहीं येलो। एक मिनट पास सुनो, ये क्या अंदर प्लान बना रहे थे? ये क्या बना रहे थे अंदर प्लान? कुछ भी नहीं। ये भी ऐसे इतना आहिस्ता क्यों बोल रहे थे? आहिस्ता किधर, मैं कह रहा था मेरी हार्ड बोल नहीं, मेरी पता नहीं क्या इसमें हो गया। यार मन जाओ अंदर, कितना सामान पड़ा हुआ यार, जल्दी आओ। ओ यार आओ ना, और गंदी चीज क्यों नहीं, मैं आऊं ना मेरे साथ धुलवाओ तुसी हार्ड बोल एक दफा। मैं यार एक दफा आ जाना, पहले बहन ही मेरी उधर वाइटी चला जाएगा ना, तो आऊं ना मेरे साथ, तो आप आ जाओ एक दफा, ये ड्राइंग कर ले, आप आओ ना मेरे साथ। यार मन तो पा ही नहीं रही यार, ये क्या बात हुई फिर? अच्छा क्या है, चलो आओ यार। हार्ड बॉल मैंने ढूंढनी, मैंने खेलना है, आपको पता सर्दियां आ रही हैं, क्रिकेट आपको पता खेलना है, सर्दियां आ रही हैं तो फिर मसला बनेगा। मैंने आगे हार्ड बॉल हार्ड बैट मैंने हार्ड बैट मैं नया ले लूंगा, लेकिन हार्ड बॉल तो अंदर से ढूंढने ना, हार्ड बॉल तो मेरे पास तीन तीन थी इधर। और यार इस रूम में देखो ना, अब येलो रूम में पहले कह रहे थे, अब इस रूम में कह रही हूँ, उधर देखे उधर कोई चीज नहीं, उधर सारा खंडर पड़ा हुआ है, इस रूम में होगी जल्दी। हाँ और यार इधर आओ ना, इधर इधर कुछ सफाई नहीं, देखो उधर आके तो कितनी चीजें पड़ी हुई हैं, आओ ढूंढे। ये देखो गाइस कितना सामान पड़ा हुआ, मैं इधर किस क्या चीज ढूंढू। और यार हॉन्टेड रूम है लेकिन इसी दिनों से खाली पड़ो, लेकिन क्या होगा, ढूंढनी तो है ना हार्ड बॉल। मुझे लगता है इस पेटी वगैरह मुझे इसमें डालने लगता, पेटी वगैरह के नीचे। हाँ इसलिए नहीं डाल लगता, नहीं मतलब ये साफ है, वो वाला रूम ज्यादा गंदा है, उधर देखो पेटी वगैरह के नीचे कोई आपको मिले, आपका तो कद भी छोटा है, अंदर गुजरो अंदर गुजरो, मैं तो जान, आप झूठो ना ब्राउनी को साथ ले जाओ। यार पता नहीं क्या मन, पेटी के नीचे देखो ना रेड कलर की बॉल होगी, रेड कलर की बॉल होती है, धागे ऊपर लगे होते हैं, जाओ देखो जल्दी, देखो जल्दी जो शब 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 वाइटी तू भी अंदर आगी। यार मन आप देखो ना रेड कलर की बॉल है, ऊपर धागे लगे हुए हैं, जल्दी जाओ शब, इस पेटी के नीचे देखो, इस पेटी के नीचे ब्राउनी आप भी देखो उसके साथ। ओह बंद ही नहीं हो मेरा और मेरा कैमरा, देखते हैं ठीक है ठीक है, इसके तो रोशनी खेलो खेलो। चलो भाई अब मेरा हो चुका है बिल्कुल फिनिश, अब इसको भाई पूरे दिन मैंने शाम तक तो बंद करके रखना है, अंदर बिल्कुल अंधेरा है मुझे पता है, बिल्कुल अंधेरा है क्योंकि मैं उस रूम में बंद करता ना उस रूम में। चलो ठीक है फिर, क्या उठ रहा, चलो मैंने ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ, इनके सर है ना, फिर शाम को आपको खोल दूंगा ठीक है। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। चलो भाई मन को थोड़ा सा मैं बाहर जाकर खड़ा देता हूँ, 10 मिनट तक आता हूँ फिर देखता हूँ मैं रोती की क्या करती हूँ, मेरे साथ ही प्रैंक होगा, पूरी शहर ख़राब हो। चलो देखते हैं भाई कोई इसने चिल्लाहा ना, मतलब इस चीखे मारी रोई वगैरह, भाई पता इसको डर तो काफ़ी लग रहा है कि उसको पता है कि मैं भी खड़ा हूँ इधर, अगर सिर्फ लगेगा ना कि मैं चला गया हूँ फिर ये डरेगी। चलो अभी मैं थोड़ी देर बाहर खड़ा होता हूँ फिर देखते हैं रोती की। और लाइट भी लगी जो मर्जी लगी, लाइट आपसे ऑन होनी नहीं, इतना ऊपर सोचो ना। चलो ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ, चलो ठीक है फिर। चलो गाइस अभी थोड़ी देर खड़ा, इधर ही खड़ा रहता हूँ 10 मिनट ना, इधर ही खड़ा रहता हूँ, अगर मुझे कोई आवाज़ वगैरह आती फिर मैं देखता हूँ। अच्छा 5 मिनट तो मुझे हो गए हैं लेकिन अभी तक मुझे लगता था नहीं है कोई डर रही है, वो आराम से खोल तो अंदर घुस जाता हूँ, उससे पता नहीं लगना चाहिए कि मैं अंदर आया, बिल्कुल आराम आराम से आराम से, ये गेट खोल गया आवाज़ ज़रा भी नहीं हुई ठीक है, बिल्कुल आराम से, मज़ा आ गया। डरी नहीं यार बिल्कुल, क्या करूँ खोल दूँ, प्रैंक तो फेल हो गया अपना, मेरा क्या प्लान तो हुआ नहीं है, हॉन्टेड रूम है इतना ज़्यादा, मुझे खुद डर लगता है, उसको डर ही नहीं लग रहा। असल में यार मेरे प्लान था कि अकेला मन करूँ, बकरी है ना साथ, बकरी है साथ है तो फिर यार वो डर नहीं रही। चलो कोई नहीं खोल देता हूँ, फेल हो जाती यार, आप डरी नहीं हो यार, इतना अच्छा मैं प्रैंक करने लगा था, आपने डरी नहीं हो यार। मैं एक दिन भी रह सकती हूं। पसीना तो मैंने निकाल दी बेचारी का, ओए ओए देखा अंदर कितना अंधेरा है बेचारी का, एक बात ना अंदर आओ
पक्का पक्का मैं बंद, मैं अंदर हूँ ना। अंधेरा कितने इधर आओ, बेचारी अंदर बंद रही है। इधर आओ। अब इसको बंद करो। वो देखो ऊपर से लाइट आ रही है। हाँ, लाइट उधर से आ रही है, वो देखो वहाँ से। और इधर से भी देखो। इधर से भी थोड़ी सी आ रही है, मतलब इतनी। चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकता हूँ मैं, मैंने तो अपनी कोशिश की थी, बच गई तो बची रहे। यार क्या कहनी आई मुझे इधर। अच्छा, एक बात था। हाँ? उधर मैं गई थी, उधर सचिन बॉल मिल गई। कसम से। हाँ। कहाँ पे? अरे वहाँ पे जाओ, वहाँ पे। हाँ। मेरे साथ मुझे, नहीं, मुझे। मेरे साथ नहीं ये काम कर सकती। मुझे पता लग रहा था मैं। अच्छा मैंने समझ भी लिया था सन में कि मन्नत को सन में बॉल मिल गई है, क्योंकि अक्सर भी ना यहाँ पे बॉलें पड़ी रहती हैं। और फिर मैंने कहा ये कैसे हो सकता है इसको सन में बॉल मिल गई हो। फिर मुझे आइडिया आई, मेरे साथ ये करने चाह रही है। हाँ क्या, ये बॉल तो है नहीं, दूसरी हार्ड बॉल तो पता नहीं किधर गई यार। असल में ना मेरी हार्ड बॉल असल में भी गुम हुई है, इन्हीं कमरों में कहीं में है और पता है नहीं किधर गई। तीन तीन चार हार्ड बॉल थी। हाँ नहीं यार तुम ना बताओ, अब मैंने पता लग गया। नहीं यार तुम, अब इसका लोग नहीं लगता ना, फिर भी कोई बात नहीं। बस चलो यार मैं थक काफी गया हूँ, अभी यार थोड़ा रेस्ट करते हैं और फिर जाएंगे हम लोग बास्केटबॉल खेल। बस यार बस बस चलो भाई थोड़ा रेस्ट करते हैं फिर चलते हैं बास्केटबॉल खेलने के लिए, हमने जाना है फिर बास्केटबॉल खेलने के लिए फिर ब्लॉग बनाएंगे। उफ़ अल्लाहु अकबर यार, संडे का दिन क्यों आता है यार। अभी मैं इतना मुश्किल से ब्लॉग बना के आ रहा हूँ, थका हूँ, इतना पसीना आ गया था, तो गर्मी थी इतना, तो पंखा वगैरह लगा होता है। अभी भाई ये साहब, भाई साहब आया, मुझे कहते हैं चैलेंज करना है अपने ब्लॉग में। वैसे मैं करता रहता हूँ ना, आज भैया थी। और यार छोड़ो डीमू अलग, तो गर्मी इतनी हो रही है, डीमू वगैरह भी अपन मतलब अलग ही है उनके कारें काम, और काटते इतने ज्यादा रहते हैं ना कसम से। अच्छा मुझे आप ये बताओ ना, जंप रोपिंग में आप मुझे कितनी दोगे? इसने कहा भाई आप वैसे करते हो, लेकिन आज मैं बोला चैलेंज दूंगी, तो मैं भी ये चैलेंज करता हूँ। वैसे भी आपको बता दूं, मैं छोटे थे ना, तकरीबन 200 से 300 करता था, मैं इस चीज में वैसे ही एक्सपर्ट हूं। ये कितने हैं? ये 7070 भाई जान, खैरियत है आपको? खैरियत है भाई, अब बड़ा हो गया भाई, मेरे से ये नहीं होता। चलो यार कोशिश करते हैं, जितने हो जाएंगे उतने करते हैं। फिर यार मेरी अलमारी में पड़ी होगी जंप रोपिंग करते हैं कुछ, इधर ही पड़ी होगी भाई, किधर गई? ये मैं इधर ही सुबह कर रहा था, मुझे याद है मैं करता रहता हूँ यार, मैं शौक है वैसे भी ना। तो भाई आप ये कैमरा होल्ड करो, अब मैं करता हूँ ये 70 जंप रोप वाला, ठीक है? ये लो आप कैमरा ले लो। ओके जी, तो फिर रेडी हो चुके हो, आप करते हैं अपनी जंप रोपिंग करते हैं, 70 करते हैं ना। चलो यार 70 करते हैं। पहले यार आपको दिखा देता हूँ मेरे अंदर कितने है, ये देखो मैं ये भी कर सकता हूँ, वाह वाला ये मैं बचपन से करता आ रहा हूँ, ये मुझे कुछ भी नहीं है। 70 तो मेरे लिए इतने से खेल है, क्या पता 100 कर दूं मैं, जितने हो उतने नहीं करता। चलो 3 2 टेस्ट करना है, आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट। आप कितने पीछे जा रही हो, आगे हो ना, कैमरा से दूर क्यों, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। फिर आगे आ गया, सही पूरा शरीर तो सही पकड़ा करो, पूरा शरीर नहीं दिखता, एंगल मेरी तरफ करो, कैमरा को बदल लो, शरीर आप पूरा नहीं दिखता। आहिस्ता आहिस्ता करना, मैं फिर गेंद भी तो पाऊं। टाइम नहीं था, चलो 70 गोल कर ले। 3 2 1 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 तुम कितने जाओ? शायद 21 22 23 24 25 30 31 32 33 रोज मैं करता हूँ कसम से, आपको पता लग गया जितनी मैं स्पीड से करता हूँ, पता लग गया। अच्छा मैंने दोपहर को भी सो किए थे और सुबह भी सो किए थे, लेकिन अब आपके सामने व्लॉग बनाइए तो ये हाँ वही सही बात कह रही हो आप, यूजी के साथ आ गए। चलो यार कोई नहीं, अब मैं थक गया, अब मैं बास्केटबॉल खेलने नहीं जाना, मजाक करो, बास्केटबॉल तो यार पहले खेलने जाऊंगा, क्योंकि कल से भाई अकेडमी जाना है, तो बास्केटबॉल आज भाई लास्ट डे होगा मेरा, आप संडे से खेलूंगा, क्योंकि अकेडमी जाना है। फिलहाल ये अभी जाएंगे बास्केटबॉल खेलने, थोड़ा रेस्ट करते फिर जाएंगे बास्केटबॉल। 1 hour later यार 5 बज गए शाम के, और हमारे यार बास्केटबॉल खेलने का टाइम हो चुका है। हाँ भाई चले चले जल्दी कर, रेडी हो यार, चली कर चले यार, साहिल भाई रेडी होता है, फिलहाल बाइक निकालते हैं और चलते हैं सीधा बास्केटबॉल ग्राउंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले पीछे लेंगे, फिर से आगे लेंगे, फिर पीछे लेंगे और फिर आगे लेंगे, और अब हमारा रास्ता क्लियर हो चुका है। ध्यान से सही, ब्रेकों की भी आवाज़ें आ रही हैं, ये नीचे वाली जगह। चलो गाइस अभी नीचे उतारता हूँ ना, फिर मिलता हूँ आपसे।
चलो गाइस फिलहाल यार मैंने तो बाइक निकाल ली है। आपको पता है साहिल हमेशा की तरह ही लेट होता है और साहिल भी यार आता है, फिर चलते हैं सीधे बास्केटबॉल ग्राउंड। अब आपको ना सीधे जाकर बास्केटबॉल ग्राउंड ही मिलते हैं। ओके जी, तो गाइस फिलहाल अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बास्केटबॉल ग्राउंड। साहिल भाई हाँ खेलनी बास्केटबॉल यार, बॉल तो हमारे पास है ही नहीं। हम लोग यार जल्दी चले गए थे, हमने बॉल उनको दे दी थी, वो लेट खेल रहे थे, हमने न्यू बास्केटबॉल लिया उनके पास ही है, तो अभी वो आएंगे तो है क्या ठीक नहीं है लोग कह रहे लोग में बोले नहीं जाता। अच्छा गाइस ये देख सकते हो बास्केटबॉल ग्राउंड हमारा प्यारा सा बास्केटबॉल ग्राउंड। आज मैंने आखिरी दिन पे मैंने कहा अकेडमी जाना यार है ना, साहिल तभी है साहिल का दिल नहीं था आने का, साहिल ने कहा तूने कल अकेडमी जाना है। बाकी ये गाइस देख सकते हो कितनी प्यारी है यहाँ पर सीनरी वो तो वैसे तू हारते तभी तो तेरा दिल करता है, अब तू जब मैं चला जाऊँगा फिर कल कौन हारा है बता। कल की बात नहीं, वन में कौन हारा है, कौन हारा है, मैं जीता था। अभी जो मैंने ना लेटेस्ट व्लॉग पे जाके देख, वन वन बास्केटबॉल वाला ही तेरा और मेरा है, और उसमें देख नहीं पहले कौन जीता है, मैं जीता हूँ, जीतने वाला था तू, मेरे तीन थे काम हो रहे हैं देख हैं छोड़ या तो जो भी है। अच्छा फिर गाइस अभी हम बास्केटबॉल खेलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। 1 hour later भाई आ जाओ भाई, मैं काफी थक गया हूं, बता अब क्या करना है आपने व्लॉग। हां चलो करो, क्या अच्छा लगा होगा यार, इसको पहले अपने ऑन कर लिया टीवी को। अच्छा आप हमारे ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर सब कुछ करें, और वो अपने साथ रहते उनको भी करें, फैमिली मेंबर्स के साथ रिश्तेदारों के साथ। ओके ठीक है फिर मिलते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में गुड बाय। गुड बाय नहीं भाई, अल्लाह हाफिज़ कहना, मैं अल्लाह हाफिज़।